खबर है मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश सौ गोल क्रिकेट संघ के तत्वाधान में पुलिस लाइन में चार दिवसीय नौवीं अंडर 19 जूनियर बालक एवं बालिका सौ गोल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। बताते चले, इस दौरान मुख्य अतिथि जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार को SPCB संजय वर्मा ने बॉलिंग करके क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने बताया कि देश के राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, बिहार और यूपी से बालक बालिकाओं ने प्रतिभाग किया है। मिर्जापुर से नईम वासी की रिपोर्ट। टाई भी है, हालांकि मैच में आजकल हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी मान चलता हूं कि हार जीत को स्वीकार करना चाहिए और अगले मैच में चैलेंज को स्वीकार करते हुए जीतने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा जो है, जो अंपायर है, जो रेफरी है, वो निश्चित तौर से पूरा प्रयास करते हैं कि निष्पक्ष, चूंकि पंच परमेश्वर की भूमिका में निभाए और निर्णय सही दे। कितने राज्यों के लोग शामिल हैं यहाँ पर? जो है सॉफ्ट बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और नेशनल लेवल की प्रतियोगिता है। इसमें कई राज्यों के खिलाड़ी आए हैं और बालक और बालिका वर्ग दोनों में यहाँ पर खिलाड़ी आए हैं। तो ये टूर्नामेंट जो है आज से शुरू होकर के 19 तारीख तक चलेगा। ये चार दिन का टूर्नामेंट है, 16, 17, 18, 19, और उसके हिसाब से मैच शेड्यूल किए गए हैं। मिर्जापुर में इस तरह की प्रतियोगिता का पहली बार आयोजन हुआ है और जहां अन्य राज्यों के खिलाड़ी भी आकर के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उन सभी को मैं अच्छे खेल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो अच्छा खेलें और यहां से जीत करके जाएं। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं।